अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नविदा वहीद हाजिर है एक नई डिश के साथ। नाज़रीन आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमे से भर के, बहुत मज़े की होती हैं, बहुत डिफरेंट लुक देती हैं और दावत को तो चार चांद लगा देती हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हम इस डिश को स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल रखा है, इसके अंदर ये तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास अनियन है, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया। सबसे पहले जो है ना हम इन प्याजों को सुनहरा करेंगे, ये कीमे में हमें बहुत मतलब के डिफरेंट टेस्ट एक देंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको सुनहरा होने देते हैं। जी नाज़रीन प्याज हमारे हो चुके हैं उतने सुनहरी जितने हमें चाहिए। ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव कीमा है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँ, ये मैंने इसलिए गला लिया था इसको कि क्योंकि प्याज भी हमने लाल करने हैं तो कीमा हमारा पहले से गला हुआ होना चाहिए। ये तकरीबन 250 ग्राम टमाटर है जो मैं डालूंगी, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिल्ली डालें, 1 टीस्पून हल्दी, नमक क्योंकि मैं कीमे में डाल चुकी हूँ इसलिए अभी हम नमक नहीं डालेंगे, अगर कम हुआ तो फिर डाल लेंगे बाद में चेक करके, और 1 टेबल स्पून भर के कुटा भुना धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखे नाज़रीन शिमला मिर्च जो है ना हम अंदर से खाली कर लेंगे, ये बहुत आसान है, ऊपर से आप ये उतारें इसका ढक्कन और अंदर से खाली कर दें। अब यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त टेबल पे लुक देंगी, ये देखिए ये सारी मैंने कर ली है, एक अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें ये इसको ऊपर से आराम से यूं कट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ये हो गई। उसके बाद जो है ये हम कट लगाएंगे, ये हम कट लगाएंगे, ये देखें नाज़रीन ये निकल आए, ठीक है। इसको अब मैं झाड़ लूँगी ताकि बीज भी निकल जाए, इसी तरह से सब आप निकल लें। जी नाज़रीन यहाँ पे कीमा जो है ना हमारा बिल्कुल भुनने को तैयार है। इस मौके पर मैं थोड़ी सी कीमे की तरह चॉप की हुई शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि कीमे में भी इसका फ्लेवर अच्छे से आए, ठीक है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इसको इसमें भूनेंगे, ठीक है। ये मेरे पास अदरक और ये हरा धनिया है वो डालेंगे, हरी मिर्चें भी इसमें एक काटी हुई है मैंने। नाज़रीन इस तरह से हम कीमा जो है ना मिर्चों के अंदर भर लेंगे, ठीक है, बस बराबर रखेंगे इनको इतना, ठीक है। ये ऑयल मैंने इसलिए साइड पे किया है कि इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, जितना कीमे के साथ जाएगा बस उतना ही काफी है, ठीक है। ये देखें नाज़रीन सारी मिर्चों में कीमा मैंने फिल कर लिया है, अभी इसका प्रोसीजर आपके सामने करूँगी। जी नाज़रीन यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे, ठीक है, और इनको इनके अंदर रखेंगे। जी नाज़रीन, हम इनको हल्की धीमी आंच पे इनको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ठीक है। जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर जो है ना मैं इसको इसके अंदर जो हमारा कीमा बच गया है वो साइडों पे डालेंगे और दम लगाएंगे, ठीक है, उसमें ये सारी ऊपर तक पक जाएंगी। जी नाज़रीन, मैं इसको ऊपर से ढक देती हूँ ताकि स्टीम में जो है ना वो ऊपर तक सारी जो है ना सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये साइडों पे हम अपना सारा कीमा डालेंगे। जी नाज़रीन, ये जो हमारे पास बचा हुआ कीमा था मिर्चे भरने के बाद ये मैंने साइडों पे डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन बिल्कुल हल्की आग पे 5 मिनट के लिए। ये मेरे पास कुछ बारीक कटा हुआ अदरक है, ये मैं दम लगाने से पहले डाल देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। अंदर भी मैंने डाला है ये हम इस तरह से, और धनिया हम बाद में डालते हैं, पहले मैंने कीमे में डाला है, गार्निश के लिए बाद में डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 5 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए, माशाल्लाह जी देखे ज़रा कितनी ज़बरदस्त हमारी कीमा भरी शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है। ज़रा आप कीमे को चेक करें, ये देखें ये इतना ज़बरदस्त दम में हो चुके हैं, और शिमला मिर्च जो है वो भी पक चुकी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी, ठीक है। और नाज़रीन, आप एज इट इज़ जो है ना इसको टेबल पे रखें, ठीक है। आप चाहें तो ये कैप जो है ना इनके, ये कैप हम ऐसे ऊपर रखें, ठीक है, ये इस तरह से कैप रखकर आप इनको, ये बड़े वाला है ये इसका। जी नाज़रीन, कैप अगर आप चाहें तो इसके साथ कैप रखकर आप इसको सर्व कर सकती हैं। जब हम खाएंगे तो इस तरह से कैप उतार देंगे, ठीक है, ये कैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बाद में हम फेंक देंगे। तो आप इस तरह से एक बड़ी सरप्राइज सी डिश जो है ना आप इस तरह पेश कर सकती हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी डिश को मुकम्मल करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर करते रहें और बहन की हौसला अफज़ाई करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।